कैश में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का है, इसके अंदर पीएमएलक्यू और इंडिपेंडेंट हमसे रबते में ज़रूर है और वक्त आने पे हम अपने सारे कार्ड शो करेंगे और ये ओवरवेलमिंगली जो है ये इंशाल्लाह पंजाब के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस है ये कामयाब होगी मेजॉरिटी के साथ। वो भी बात करते हैं बगैर सबूत के नहीं करते हैं, ये जो पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म करने वाले जो जिन लोगों के नाम बीपी ने लिए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने, हम इस वक्त ये भी कर रहे हैं कि हम ECL के अंदर इन तमाम अनासर के नाम डालने की एक दरख्वास्त भी मूव करेंगे अगले आइंदा चंद दिनों के अंदर, ताकि इनका कड़ा एहतसाब हो और पाकिस्तान के अंदर हो और इनको यहाँ से निकलने का मौका ना मिले। तो ऐवान वज़ीर आला से जो रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की गई है ये इसीलिए की गई है कि ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और उनकी कॉपीज हमारे पास भी मौजूद है और वक्त आने पर हम सब कुछ दोबारा हासिल करना चाहिए। इसी को देखते हुए हमने तैयार तो ये काफ़ी दिनों की कराई भी थी और आज हमने मूव कर दी और 10:45 असेंबली सेक्रेटेरिएट ने उसकी रिसीविंग भी हमें दे दी है और 14 दिन के अंदर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पीकर साहब को टेकअप करने चाहिए और अब पाकिस्तान के अंदर पुराने पाकिस्तान में जाने का वक्त आ चुका है और इंशाल्लाह ताला ये अब आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान जिसको नवाज शरीफ साहब छोड़ कर गए थे अब दोबारा उसी का आगाज़ होगा अगले चंद दिनों के अंदर।